हेलो सो वेलकम बैक टू द बीजीएम गेमर्स न्यू स्ट्रीम। और आज भाई बहुत दिनों बाद हमें 98 बंदे अपने रूम में देखने के लिए मिले हैं यहाँ पर। मतलब कि भाई आंखें तरस गई थी इतने बंदे देखने के लिए। अभी भी 2 बंदों की कमी थी, 100 पूरे हो जाते तो भाई कसम से मजा ही आ जाता है यहाँ पर। लेकिन भाई 100 नहीं हुए तो कोई गम वाली बात नहीं है, फिलहाल यहाँ पर 100 भी पूरे आ जाएंगे। रेगुलर खेलने वाली टीमें सभी आ चुकी हैं, यूनिटी की टीम, किलशॉट की टीम, SCFZ, एसिड विज़ार्ड सभी टीमें आ चुकी हैं। टेडी की टीम भी आई है, सोलो की पूरी टीम आई है यहाँ पर। ब्लैक चीकू आए हैं, कई टीम नंबर 2 के मेंबर्स, टीम नंबर जो कि यहाँ पर 5 की टीम आई है दीज 02, और भाई जो कि BPX मैन वॉकर की टीम भी आ चुकी है, मतलब रेड मैक्स ओपी की टीम आई है। और भाई गंडीगर जो खेलते हैं मेरे ख्याल रैंडम के साथ आ चुके हैं, RZ किंग और समीउल्लाह की टीम भी आ चुकी है, समीउल्लाह डेविल और भाई यहाँ पर गनी भाई की टीम, M6 सक्की की टीम आई है, हार्टलेस और M6 सक्की मेरे ख्याल उनके साथ रैंडम है। और भाई यहाँ पर नूबैक्स किट्टी ओपी भाई किट स्क्वाड भी आ चुकी है, डेमोन जो कि भाई यहाँ पर मेरे ख्याल स्कूबीडू की टीम और स्कूबीडू दहलकुन के साथ मेरे ख्याल से नहीं आया। और भाई यहाँ पर रेड आदि एसिड पायथन और भाई यहाँ पर एसिड सोनिक को मैंने कहीं पर देखा था जी, यहाँ पर आज आ रखे हैं एसिड सोनिक, किल शॉट अजर है, किल शॉट मैग्नेट है, क्या ही बात है। शॉल भाई यहाँ के यहाँ पर टीम आ चुकी है, इंट्रो इंसान भाई की यहाँ पर टीम आ चुकी है, मुजू यूनिटी सैन पानी FTW सैन पर FTW भाई मेरे ख्याल से नहीं आया, रॉकी की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, लगभग रोबोट की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, लगभग सभी टीम। और अगर हम प्लेन पाथ की बात करें तो भाई प्रिशन से होता हुआ सीधा इक्वायरी की तरफ, तो डेस्टिनेशन काफी अच्छा है, रोजोक बंदे जाएंगे, कोचिंग के जाने बहुत ज्यादा मतलब बंदे इधर उधर जाने वाले हैं। और भाई एक टीम का तो पक्का है जो कि पानी FTW आई की टीम, वो मिलिट्री बेस जाने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि भाई वहाँ पर थोड़ा करीब है तो बड़े भाई वहाँ पर जा सकते हैं, मिलिट्री बेस में लूट काफी अच्छी मिलती है, इसलिए भाई लूट कर बड़े आ जाएंगे। और मेरे ख्याल पोचंकी के अंदर काफी स्क्वाडों की फाइट हो सकती है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि भाई पोचंकी के अंदर बहुत ज्यादा बंदे यहाँ पर आ रखे हैं, तो भाई इसलिए पोचंकी के अंदर उनकी फाइट होगी, कि वो भाई यहाँ पर देखना होगा वापस वहाँ पर उतर चुके हैं, क्या ही बात है, उतरेंगे पोचंकी के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर है, क्योंकि भाई प्लेन पर दूसरी तरफ से जा रहा है और लिपोका की तरफ उतर चुकी है स्कोर, टीम नंबर 1, टीम नंबर 3 और टीम नंबर 1 जा रही है मेंशन की तरफ, टीम नंबर 7 उतर चुकी है प्रिशन के अंदर, क्या ही बात है, टीम नंबर 25 और टीम नंबर 20 जा रही है इसी तरह मेरे ख्याल आशियाना की, और आशियाना बहुत ज्यादा स्कोर उतरती है, मिल्टा के अंदर जा चुके हैं 3 स्कोर, टीम नंबर 15, टीम नंबर 24 और एक टीम उनके साथ और जा रही है जो कि टीम नंबर 6 है जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ बड़ी जल्दी जा रही है। और हमें यहाँ पर देख रहा हूँ भाई यहाँ पर पोचंकी के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर है, जैसे कि मैंने कहा तब तक मेरे ख्याल से 4 5 या 6 स्कोडे जा रही हैं पोचंकी के अंदर, और टीम नंबर 1 मेरे ख्याल से जाएगी इसी, टीम नंबर 17 जो किया वो मिलिट्री बेस की तरफ थोड़ा रुक कर चुकी है, और जैसे ही भाई कहीं पर फाइट होती है हम आपको जरूर दिखाएंगे। यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए मेरे ख्याल से प्रिशन के पास उतर चुकी हैं 2 स्कोड हैं जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ टीम नंबर 3 और टीम नंबर 7 के मेंबर्स वहाँ पर कुछ उतर चुके हैं, और भाई यहाँ पर उनके बीच आपस में मेरे ख्याल से फाइट भी हो सकती है, टीम नंबर 7 के यहाँ पर अकेले मेंबर्स उतरे हैं, और उनके सामने टीम नंबर 3 की चारों टीम मेंबर्स फिलहाल यहाँ पर कहीं पर फाइट हो चुकी है, डेमन बॉय की फाइट हो चुकी है जिनको मैंने भाई ऊपर ही देखा था, जहाँ टीम नंबर 24 के बीच वहाँ पर फाइट हो चुकी है जो कि रेड मैक्स ओपी भाई को वहाँ पर पूरी तरह से फिनिश करते हैं शॉट गन से, क्या ही बात है, वहाँ पर बड़े जल्दी रेड आदि भाई को वहाँ पर फाइट हो चुकी है, BSS से रॉकी को नॉक कर चुके हैं, क्या ही बात है, वहाँ पर BSS से भाई रॉकी को नॉक कर चुके हैं, तो भाई उनकी तरफ जरूर चल लिया जाए। रेड आदि भाई की टीम जो कि मेरे ख्याल से टीम नंबर उनके मेंबर्स हैं वहाँ पर उनकी फाइट हो रही है, टीम 22 की टीम के मेंबर्स के बीच वहाँ पर उनकी फाइट होती है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि भाई वहीं पर उतरी होगी वो टीम जो कि टीम नंबर 18 है, फिर टीम नंबर 12 की टीम मेंबर्स है, जो टीम नंबर 12 की टीम मेंबर्स है रेड आदि अपने और मेरे ख्याल से किसके टीम मेंबर्स उन्होंने फिनिश किया, रोकी भाई जो टीम नंबर 18 के मेंबर्स जैसे कि मैंने कहा था भाई यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं टीम मेंबर्स को, और भाई यहाँ पर देख रहा हूँ VSS उन्होंने फिनिश किया, और भाई यहाँ पर बड़े जिले नो कर इंस्टेंट फिनिशिंग वो कर चुके थे, और भाई यहाँ पर देख रहा हूँ टीम रॉयल गोवा जो भाई मिल्टा के अंदर फाइट हो रही है, टीम रॉयल गोवा टीम नंबर 24 के मेंबर्स उन्होंने भाई एक टीम मेंबर्स को नॉक किया, टीम नंबर 11 के जहाँ तक मुझे लगता है, और पूरी तरह से मेरे ख्याल क्या ही टीम बात है, वहाँ पर रेड आदि भाई वापस एक टीम हम उसको नॉक कर चुके हैं, और भाई टीम 11 के 2 टीम हम उसको नॉक पड़े हैं यहाँ पर, क्या ही बात है, नूब भाई के वहाँ पर नॉक हो चुका है, पबजी अक्षय की भाई वहाँ पर नॉक पड़े हैं जो भाई एसिड पैथन भाई और की फाइट होती है वहाँ पर, टीम नंबर जो भाई वहाँ पर 12 के, और डेडली लुकमान जो बड़े जिले टीम नंबर 18 के नाम से उनको भाई इंस्टेंट फिनिश किया जा चुका है, और टॉक्सिक टीम नंबर 22 के नाम से आगे का नाम आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई मैं थोड़ी जोर से मॉनिटर करता हूँ तो भाई काफी दूर तक नाम चले जाते हैं, वहाँ पर बड़े जिले भाई वहाँ पर टॉक्सिक को बड़े जिले रिवाइव दे दिया है उन्होंने, टीम नाम उसको सोलो रहित के सोलो डेंजर भाई वहाँ पर फाइट होती हुई, तो भाई उनकी तरफ भाई जरूर चले जाए जो कि सोलो डेंजर सोलो रहित के की टीम के बीच वहाँ पर फिलहाल काफी ज्यादा फाइट है, वहाँ पर काफी अच्छी फाइट है, मैं देखने के लिए सोलो डेंजर वहाँ पर नॉक पड़े जो कि भाई उनकी फाइट हो रही है टीम नंबर 21 के साथ अवेंजर भाई की टीम के साथ, और भाई बहुत ज्यादा एसिड सोनिक भाई वहाँ पर वापस मेरे ख्याल किसी को नॉक कर चुके हैं, टीम नंबर 23 और टीम नंबर 10 के बीच फाइट होती है, टीम नंबर 23 यहाँ टीम नंबर 23 वहाँ पर रॉयल अभी भाई वहाँ पर नॉक पड़े, टीम नंबर 14 यहाँ पर उतरी है मतलब शिवरनी की तरफ उतरी है एसिड सोनिक भाई की टीम, मतलब भाई अभी रॉयल अभी भाई को हर हार्टलेस भाई वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, क्या ही बात है, किलशॉट मैग्नेट उनको एक एम का स्प्रे देते हैं और हार्टलेस वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, M6 सक्की की तरफ उनके टीम में हम उसे देख रहे हैं, DC लोयन में भाई गलत मत समझ ले आप, कई बंदे गलत ले जाएंगे, वो DC लोयन था तो भाई मैं BC बोल गया गलती, तो यहाँ पर देखना होगा
डीसी लोन भाई वहाँ पर, यूनिटी जुनैद भाई वहाँ पर एक टीम मामस को नॉकआउट कर, तो यूनिटी जुनैद भाई की टीम मामस की भाई जरूर चली जाए। यूनिटी जुनैद भाई की टीम मामस बहुत अच्छा खेलता है। यूनिटी क्लैन और भाई यहाँ पर देख लिया, टीम 22 के मामस के बीच वहाँ पर फाइट होती है, टीम 22 के मामस से वहाँ पर नॉकआउट और टीम 22 के मेरे ख्याल से एक टी आई का टीम मामस को वहाँ पर पूरी तरीके से टपका दिया गया। बीसी लोयन भाई वहाँ पर, डीसी लोयन भाई वहाँ पर नॉक पड़े और भाई उनको भी गनी भाई ने वहाँ पर एक टीम को नॉक किया। और भाई यहाँ पर देख रहा हूँ वापस हमें टीम 22 और टीम नंबर 12 के बीच भी एक तरफ से फाइट हो रही है। और भाई यहाँ पर देख लिया रोमन भाई की फाइट, टीम नंबर 13 की टीम के मामस के बीच वहाँ पर फाइट होती है, टीम नंबर 13 के कारण टीम में टपका चुके हैं। और भाई यहाँ पर आर जेड ब्लैक मामा अपनी टीम से, उनकी टीम के दो ही टीम मेंबर्स बचे और उनके सामने टीम नंबर 9 के मामा जिनको ने भाई यहाँ पर यूनिटी से हम रोमन भाई की टीम वहाँ पर उनको टपका चुके हैं। क्या ही बात है, यहाँ पर देख रहा हूँ एचजेड टॉक्सिक भाई को वहाँ पर नॉकआउट चुके हैं, टीम नंबर 22 के मेंबर्स है टॉक्सिक सी भाई को वहाँ पर नॉक कर चुके हैं, तो भाई शॉर्ट फॉर्म में हम सी बोल सकते हैं। और भाई यहाँ पर देख रहे हो टॉक्सिक भाई वहाँ पर बड़े इजिली भाई वहाँ पर फिनिश कर चुके हैं एसिड विजार्ड की टीम। और इनके सामने आ चुके भाई टीम नंबर 19 जो कि भाई काफी अच्छा खेलते हैं, रोबोट 15 भाई की टीम, वो भी भाई ठीक ही खेलती है। यहाँ पर टीम नंबर पीछे से एक सेवन है जो कि गंडीगर भाई की टीम है, उनके एक टीम आपसे बहुत दूर उतरे थे जो कि भाई रिशन के अंदर थे और भाई उनको फिनिश भी किया जा चुका है। यहाँ तक मुझे लगता है टीम नंबर 3 के मामस की तरफ से उनको बड़े दिल्ली भाई फिनिश किया जा चुका है। भाई वहाँ पर टीम नंबर 14 के बीच वहाँ पर फाइट होती है किल छोटा से भाई और टीम के बीच, वहाँ पर टीम नंबर 10 की वहाँ पर फाइट होती है किल छोटा मैगनेट किल छोटा सर। भाई वहाँ पर देख रहा हूँ टीम नंबर 10 के मेरे ख्याल से एक टीम बहुत ज्यादा लो जी हाँ उनको स्प्रे दिया गया था और एक टीम नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 10 के। क्या ही बात है, टीम नंबर 14 के एक टीम नॉक पड़े। और भाई यहाँ पर देख लूंगा अब एक पीछे से किल शॉट मैग्नेट है और अपने टीम में हम उसको बड़े जी भाई बचा लिया, प्रोन एंड शूट किया वहाँ पर। क्या ही बात है, एसिड सोनिक भाई पीछे से डीबीएस M6 की भाई की टीम को पूरी तरह फिनिश करते हुए। और भाई यहाँ पर टीम नंबर 14 बड़े जी भाई बच चुकी है। और भाई यहाँ पर देखना होगा के जी बोट भाई वहाँ पर कहीं पर नॉक पड़े थे, उनको भाई हम जरूर देखेंगे के जी बोट भाई कहाँ पर नॉक पड़े थे। टीम नंबर 8 और टीम नंबर 23 की भी मेरे ख्याल से यहाँ पर आपस में फाइट हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर देख लिया जी वहाँ पर टीम नंबर 2 जो कि 2 के मेंबर्स थे, जहाँ तक मुझे लगता है के जी बोट टीम नंबर 2 के मेंबर्स बड़े जिले भाई उनको फिनिश किया जा चुका है। टीम नंबर 2 के मामस को भाई यहाँ पर देख रहा हूँ, टीम नंबर 4 के मामस ने उनको फिनिश किया। अभी भाई टीम नंबर 2 के दो टीम मामस यहाँ पर बच रखे हैं। क्या ही बात है, नेक 0007 और भाई यहाँ पर देखना होगा ब्लैक चीकू। क्या ही बात है, यहाँ पर देख लिया जाए समीला भाई और वापस से फाइट हो चुके, VSS और उजी चल रही है कहीं पर, तो भाई उनकी तरफ भी जरूर चलना भाई की टीम की फाइट एक तरफ से टीम नंबर 23 के बीच की फाइट। और क्या ही बात है, मतलब बहुत ज्यादा भाई एक साथ टीम नंबर 23 के मामस भाई पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं जो कि समीला की टीम ने भाई उनको फिनिश कर दिया। और कोचिंग के अंदर फाइट हो रही थी जो कि मेरे ख्याल से हमें देखना होगा वहाँ पर, जहाँ टीम नंबर 7 की टीम वहाँ पर नॉक पड़े हैं जो कि विशोप भाई वहाँ पर नॉक पड़े हैं। और भाई यहाँ पर देखना होगा विशोप भाई वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, गंडीगर अपनी टीम में गाजी रिवाइव देना चाहेंगे जिनको मेरे ख्याल टीम नंबर 19 के मामस की तरफ से यहाँ पर नॉक किया गया था। और भाई यहाँ पर देखना होगा ब्लैक चीकू भाई वहाँ पर उन्होंने किसी को नॉक किया जिनका भाई मैंने जस्ट अभी नाम पढ़ा, जी हाँ टीम नंबर 2 के मामस से ज्यादा मुझे लगता है टीम जी हाँ टीम नंबर 2 के 4 के दोनों ही मामस को बड़े जिले भाई मार चुके हैं। क्या ही बात है, बहुत बढ़िया वहाँ पर नॉक पड़े दोनों ही मामस और उनके एक टीम मामस जो कि थे वो ऑफलाइन है तो अपनी टीम को नहीं बचा पाएंगे। और भाई यहाँ पर रेड आदि भाई और वापस हो चुके, रेड आदि भाई और टीम वहाँ पर मेरे का फाइट लेती हुई और टीम नंबर 19 को भाई पूरी तरह से फिनिश करती हुई रेड आदि की टीम। और यहाँ पर टीम नंबर 7 के मेरे ख्याल कुछ मेंबर्स अब तक बच रख दीजिए, टीम नंबर 7 के मेंबर्स यहाँ पर जो कि विनी टेक्स ओ भाई यहाँ पर है या फिर XD और लिख रखा हो ब्लैक चिकन और बड़े जिले फिनिश कर चुके हैं। टीम नंबर 4 के मेंबर्स को टीम नंबर 2 के मेंबर्स वहाँ पर बड़े जिले उनके टीम नंबर 4 के जो कि वो ऑफलाइन थे तो भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। गंडीगर भाई वहाँ पर मैं कहा छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई अगर यहाँ पर सपोर्ट कर लेते हैं। और भाई क्या बात है, यहाँ पर मिस्टर जोकर भाई नॉक हो चुका, मतलब बहुत ज्यादा भाई यहाँ पर फिलहाल हमें फाइट देखने के लिए मिले क्योंकि भाई यहाँ पर आज बंदे बहुत ज्यादा आए थे तो भाई इसलिए हमें फाइट जल्दी जल्दी देखने के लिए मिल रहा है। और भाई उसमें थोड़ा रोमांच भी आता है अगर भाई फाइटें जल्दी जल्दी हो तो भाई वहाँ पर देखने में। टीम नंबर 15 गनी भाई और की टीम, क्या ही बात है, टीम नंबर वहाँ पर फिलहाल टीम नंबर गनी भाई और की वहाँ पर फाइट हो चुके तो भाई उनकी टीम की तरफ भी हम जरूर चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लिया टीम नंबर 15 टीम नंबर 6 के बीच फाइट होती है। और क्या ही बात है, यहाँ पर रोमन भाई और उनकी भाई विशोक भाई वहाँ पर फिर से नॉक हो चुके जो कि भाई टीम नंबर 7 के मामले से टीम नंबर 12 के मामले से उनको नॉक किया। और भाई यहाँ पर देखना टीम नंबर 7 के टीम नंबर से नॉक पड़े सामने भाई देख लिया जाए, फिलहाल वहाँ पर स्प्रे देते हैं। और भाई यहाँ पर देखना हमें वापस से टीम नंबर 7 के गंडीगर भाई अपनी टीम से अकेले बच रखे हैं उस तरफ, जहाँ गंडीगर भाई को बड़े ख्याल से बड़े दिल भाई फिनिश किया जा चुका है, जहाँ तक मुझे लगता है फिनिश किया जा सकता है। और भाई हमें यहाँ पर वापस से चलना होगा जो कि टीम नंबर 15 वहाँ पर, क्या ही बात है, एक टीम को फिनिश कर चुकी है टीम नंबर 15 जो कि भाई यहाँ पर उनके बीच फाइट हो रही थी, मैं भूल गया भाई कौन सी टीम थी। और भाई विनीत तो OP भाई गंडीगर वहाँ पर बड़े दिल भाई फिनिश हो चुका है टीम नंबर जो कि 7 के मामले से वहाँ पर पूरी तरीके से पोचिंग की क्लियर होता है। और पोचिंग की फिलहाल अंदर कोई नहीं बचा, सोलो डेंजर भाई उनके वापस फाइट हो चुके, तो सोलो डेंजर की टीम जो कि भाई हेयर है टीम नंबर 20 के मामले से भाई उनकी फाइट हुई है टीम नंबर 25 के एक मामस को नॉक करते हुए जो कि टॉक्सिक वहां पर थे और टॉक्सिक भाई को वहां पर नॉक कर चुके हैं। क्या ही बात है, टॉक्सिक MN वहां पर नॉक कर चुके हैं। लॉल OP क्या ही बात है, मतलब भाई कतई जहर नाम रख रखे हैं, लॉल DJ OP मतलब कतई। विनोद भी भाई यहां पर आ चुके हैं जो कि भाई एक हिसाब से ट्रेंडिंग में था, विनोद यहाँ पर ट्रेंडिंग में हो चुका था एक हिसाब से, लेकिन भाई हमें यहाँ पर वापस देखना। फिलहाल ये अचानक अंदर फाइट हो रही थी और भाई बाकी कोई और टीम अचानक जी आप FNC क्या ही बात है वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, सॉरी पानी FTW भाई वहाँ पर किसी को मार चुके हैं जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर उनके पास कोई आए थे। और भाई यहाँ पर देखना और DS भाई वहाँ पर क्या ही देख लिया जाए,
मतलब बी भाई कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है हमारे मुंह से, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि भाई हम कहीं डीसी को बीसी पढ़ रहे थे, तो भाई उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और भाई यहाँ पर देख लिया जाए फिलहाल टीम नंबर 24 के नाम से एक तरह से फ्लैंक करते हुए टीम यहाँ पर जिन टीम नंबर 24 के नाम से यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि टीम रॉयल बिंगो हैं, और भाई उनके टीम नंबर 15 के नाम उन्हीं के आसपास थे। फिलहाल यहाँ पर देखना, फिलहाल किसी भी टीम के बीच यहाँ पर फाइट नहीं हो रही, जैसी भाई किसी भी टीम के बीच फाइट होगी हम जरूर दिखाएंगे। और यहाँ पर टीम नंबर 5 जो कि है वो ब्रिज कैंप करती हुई बीपीएक्स मैन वोकर भाई, और वहाँ पर क्या ही बात है, एक टीम की वहाँ पर फाइट होती है तो भाई इस टीम की जरूर फाइट भी गई। टीम वहाँ 15 की वहाँ पर फाइट होती है, और एक टीम हमको टीम 24 की एक टीम रॉयल से भाई वहाँ पर नौकर, क्या ही बात है शोल भाई, वहाँ पर टीम नंबर वहाँ पर एक टीम को नॉक कर चुके हैं, टीम नंबर 24 के दो टीम हमसे नॉक हो चुके हैं, टीम नंबर 15 वहाँ पर एक टीम को नॉक कर चुकी है, टीम रॉयल बिंगो को वहाँ पर नॉक कर चुकी है, टीम रॉयल गोवा मेरे ख्याल से अपनी टीम से अकेले बचे, और मुझे लगता है वहाँ पर ज्यादा और टीम रॉयल गोवा को भी स्प्रे आया, क्या ही बात है, बड़े जी भाई बिलाइट भाई वहाँ पर नॉक कर चुके हैं उन्हें, और भाई पड़े जिले वहाँ पर फिनिश हो गए सामने मौली की गई थी टीम यहाँ 15 के मैम, लेकिन मौली करे कोई फायदा नहीं, उनकी पूरी टीम फिनिश हो चुकी है भाई यहाँ पर बड़े जिले यहाँ की फाइट जीतते हुए यहाँ पर मिल्टा के अंदर। और भाई अगर हम बात कर रहे थे जहाँ टीम 5 के मामबस की, जो कि भाई कर रहे हैं ब्रिज कैम बीपीएक्स मैन वॉकर भाई, और यहाँ पर दिस 02 दिस, और भाई जो कि यहाँ ककर ओपीटी और टीपीएस भाई थे यहाँ पर बड़े इजीली भाई ब्रिज कैंप कर रहे हैं। और ब्रिज की तरफ से सिर्फ एक ही टीम आने वाली है, जो कि है भाई पानी एफटीडब्ल्यू आई की टीम, जो कि बहुत ज़्यादा सही खेलती है भाई, देखना ये होगा यहाँ पर ये टीम उसे गिरा पाती है या नहीं। फिलहाल ब्रिज कैंप से तो थोड़ा दूर निकल चुके हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जी हाँ पानी एफटीडब्ल्यू आई की तरफ ब्रिज की तरफ रुक कर चुकी है पानी एफटीडब्ल्यू आई की टीम, और ब्रिज की तरफ जल्दी ही आना चाहेंगे। और भाई यहाँ पर हमें वापस से देखना, फिलहाल किसी और टीम के बीच यहाँ पर फाइट नहीं हो रही, जैसी किसी टीम के बीच भाई फाइट होगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ पर, और मेरे ख्याल से सामने फिलहाल देख लिया जाए कौन सी टीम। और भाई यहाँ पर याशियाना के अंदर काफी सारा फिलहाल स्कोर है, टीम नंबर 17 भाई तरफ से ब्रिज क्रॉस कर ही चुकी है लगभग, और टीम नंबर 5 वहाँ से काफी दूर निकल गई, और मेरे ख्याल से उनकी फाइट हो सकती है। टीम नंबर 1 के मामले में उन्हीं के ज्यादा दूर नहीं है, काफी करीब है टीम नंबर 1 के मामले, और भाई यहाँ पर देखना होगा सोलो डेंजर भाई नीचे कूद चुके हैं टीम नंबर 3 के साथ भाई फाइट लेने के लिए, और भाई यहाँ पर देखना सोलो डेंजर भाई वहाँ पर उनकी टीम के साथ भाई फाइट हो सकती है। सोलो डेंजर भाई वहाँ पर लिटरली बना एचपी बचे हैं, सोलो डेंजर भाई यहाँ पर नॉक हो चुके हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, सोलो यूज एक तरफ, और भाई यहाँ पर देखना होगा फिलहाल टीम नंबर 3 भाई फुल्ली तरीके से रश करती है, और सोलो डेंजर भाई मेरे ख्याल से बड़े जल्दी हील करेंगे जी, यहाँ पर उनके पास बैंडेजेस ही हैं सिर्फ, और बैंडेज वो लगा रहे हैं, और भाई यहाँ पर देखना होगा हमें वहाँ पर फिलहाल तो बैंडेज वगैरह कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम, और क्या ही बात है सोलो एक टीम नॉक हो चुके हैं, और गिरने से भाई उनकी मौत हो चुकी है, मतलब दुखद बड़ी कहानी है बड़ी, गिरने से भाई वहाँ पर नॉक हो चुके हैं सोलो यूज भाई को, वहाँ पर सोलो यूज भाई एक टीम हम उसको नॉक कर चुके हैं, क्या है दो टीम हम उसको नॉक कर चुके हैं, एक टीम हम उसको इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं, सोलो यूज भाई बहुत ही बड़े खेलते हैं, और भाई दूसरी टीम हम उसको मेरे ख्याल फिनिश करना चाहेंगे जी हाँ, और पूरी तरह से फिनिश करते हुए बहुत ही बढ़िया खेलते हो भाई यहाँ पर सोलो यूज है भाई, और भाई यहाँ पर देखना एक एम उनके हाथ में, एक टॉमी टीम नंबर 3 के मैम आए थे यहाँ पर रश करने, एक दो टीम मैम उसको गवा चुके हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर देखना होगा फिलहाल टीम नंबर सोलो यूज है भाई यहाँ पर बच रखे हैं, सोलो डेंजर भाई यहाँ पर बच रखे हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और सोलो यूज भाई नॉक हो चुके हैं वहाँ पर, और सोलो डेंजर भाई अपनी टीम को वहाँ पर रिवाइव देते हैं, सोलो यूज भाई मुझे नहीं लगता वहाँ पर जिंदा बची, उनको भाई इंस्टेंटली फिनिश किया जा चुका है, कई बार जैसे कि मैंने कहा था बड़ी जी भाई उनको फिनिश किया जा चुका है, सोलो डेंजर भाई अपनी टीम को बचाने के लिए ऊपर जाना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, जी हाँ सोलो डेंजर भाई वहाँ पर निकलेंगे, लेकिन भाई नहीं वहाँ पर फिलहाल अपनी टीम को सबसे पहले बचाना चाहेंगे, क्योंकि उनके एक टीम मेंबर्स नॉक पड़े हैं, तो भाई इसलिए मैं कहा सबसे पहले उन्हें अपनी टीम मेंबर्स को बचाना चाहिए, और भाई अब तक तो रिवाइव दे देते हो, क्योंकि भाई उनके ऊपर उन्होंने रश नहीं किया टीम नंबर 3 के मेंबर्स ने, तब तक तो बड़े जिले भाई रिवाइव देते थे, अगर रिवाइव ना छोड़ते वहाँ पर तो भाई बड़े जिले वो रिवाइव हो जाते उनके टीम मेंबर्स, लेकिन भाई अभी रिवाइव होने का उनके पास पूरा पूरा चांस है, क्योंकि भाई यहाँ पर पोजीशन नहीं पता है टीम नंबर 3 के मेंबर्स को उनकी, तो भाई इसलिए बड़े जिले भाई वहाँ पर उनको रिवाइव दे रहे हैं, और भाई यहाँ पर देख रहे हो बहुत ज्यादा टीम भाई निकल चुके हैं, जो कि भाई कहाँ थी जी हाँ, जो कि भाई सर्कल के अंदर जाकर रुक चुकी है पानी एफटीडब्ल्यू भाई की टीम, जो कि भाई पिछली बार वहां पर मरे थे, लेकिन भाई इस बार वहीं पर जाकर उन्होंने कैंप किया कि पोचंकी के अंदर से देखते हैं कितनी स्क्वाडें निकलेंगी, और वो भाई वन बाय वन सभी टीमों को भरेंगे, और टीम ऑफ 14 जो कि ब्रिज कैंप कर रही है, भाई ब्रिज कैंप करने का कोई फायदा नहीं है, तो भाई इसलिए वहां पर ब्रिज कैंप कर कोई फायदा नहीं, टीम ऑफ 12 वहां पर काफी क्लोज टीम नंबर 1 के, और भाई यहाँ पर काफी अच्छे एसिड पाइथन वहाँ पर नॉक कर चुके हैं टीम नंबर 1 के, एक टीम मामस को मतलब कि मैंने बोला ही था काफी क्लोज है, और भाई ये कुछ ज्यादा ही क्लोजिंग मामला हो गया यहाँ पर, एक टीम मामस को नॉक कर चुके हैं टैडी भाई की टीम, जो कि नोबिता उनके साथ खेल रहे हैं, क्या ही बात है, नोबिता डोरेमोन उनको नहीं लाए तुम अपने साथ, उनके गैजेट आपको जरूर लेने चाहिए, और भाई यहाँ पर देखना एक टीम मामस को बड़े जी भाई यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं, और भाई यहाँ पर देखना और टैडी की टीम टैडी नोबिता और एक टीम हमसे और उनके जो कि भाई पिछली तरफ उतर रखे हैं, और भाई यहाँ पर देखना और तीनों ही टीम हमसे अलग अलग घर में है, तो भाई अलग अलग घर में अगर रहेंगे तो बड़े जी भाई मार दिए जाएंगे, और भाई यहाँ पर रेड आदि भाई वहाँ पर ट्रिक लगाते हुए छत के ऊपर चढ़ चुके हैं, क्या ही बात है, वहाँ पर ट्रिक लगाने और बड़े जी भाई सपोर्ट किया गया नोबिता को कि आप डोरेमोन को जाकर लेकर आए उनका एनीवे डोर लें, और एक टैडी को भी वहाँ पर सपोर्ट किया गया, टैडी को वहाँ पर सामने से बोर भाई टैडी को भी नॉक कर चुके हैं, और भाई मुझे लगता है यहाँ पर टीम नंबर 1 बच पाएगी, टीम नंबर 1 भाई यहाँ पर पूरी फुल्ली तरीके से फिनिश होने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है,
अकेले टीम मेंबर्स बचे हैं, और अकेले टीम मेंबर्स के लिए 1v4 कर पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है एक हिसाब से। और भाई उनको भी मार दिया गया, मतलब भाई इतनी बेरहमी से कौन मारता है भाई, वो उनको भी मार दिया गया। काफ़ी गलत स्कैम हो गया उनके साथ, फिर छोड़ा जो भाई जॉन से मर चुके हैं, टीम नंबर 23 के जो मेंबर्स थे वो भाई जॉन से मर चुके हैं। और भाई हमें यहाँ पर देखना होगा क्या ही बात है, फिलहाल तो यहाँ पर सभी टीमें भाई आती है और टीम नंबर 17 भाई निकल चुकी है फार्म की, और टीम नंबर 15 के बीच काफी क्लोजिंग मामला हो सकता है। टीम नंबर 15 के मैम्स और वहाँ पर नौकों से हो गए हैं, मतलब भाई क्या ही बात है, हमने कहा क्लोजिंग होगा लेकिन भाई वहाँ पर कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाता है हमारे बोलने से पहले ही। हम जस्ट बोलते हैं और बड़े इजली भाई वहाँ पर फिनिश वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर नौक वगैरह किया जा चुका है और भाई टीम नंबर वहाँ पर 15 के टीम वहाँ पर क्या ही बात है, बड़े टीम नंबर नौक हुए थे और बड़े इजली टीम नंबर टू मैम को फिनिश किया जा चुका है। और भाई यहाँ पर ब्लैक चीकू अपनी टीम से अकेले बचे हैं, और भाई यहाँ पर देखना होगा फिलहाल उनके हाथ में स्मोक, और स्मोकर का मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना चाहेंगे, उनके पास गाड़ी वगैरह भी नहीं है तो भाई मेरे ख्याल से बैक साइड जाना चाहेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर रुकर कोई फायदा नहीं है उन्हें, तो भाई इसी और बैक साइड जाना चाहेंगे, वहाँ पर स्मोक वगैरह किए निकल रहे हैं। अगर टीम नंबर 3 के 15 के मामले उनको स्पोर्ट ना किया तो बड़े जल्दी निकलेंगे, लेकिन स्पोर्ट तो किया था, उनको स्प्रे भी दिया गया लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल स्प्रे इनका इतना वो नहीं था, वहाँ पर कारगर नहीं था, जिस वजह से भाई बच गए। यहाँ पर टीम नंबर 15 के एक मामले यहाँ पर फ्लैंक कर चुके हैं एक तरफ से, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। टीम नंबर 2 के मामले के लिए जो कि ब्लैक चीकू वहाँ पर बड़े ज़्यादा उनके लिए दिक्कत आने वाली है, सामने उन्होंने प्लस स्मोक वगैरह किए हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर टीम नंबर 2 के मामले के बड़े इसलिए मेरे का सपोर्ट किए जा चुके हैं वो, तो भाई इसलिए वहाँ पर उनका कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर देखना होगा फिलहाल किसी और टीम के बीच, यहाँ पर याशेन के अंदर अभी तक जोन बरकरार है और बहुत ज़्यादा टीमें वहाँ पर अभी भी 3 या 4 टीमें लगभग वहाँ पर फाइट लेने के लिए रेडी है, और यहाँ पर टीम नंबर 2 के मामले के लिए काफ़ी दिक्कत चारों तरफ से घिरते हुए वहाँ पर, चारों तरफ से उनके ऊपर फ्लैंक होता हुआ एक तरफ से भाई टीम 15 के, और भाई स्पोर्ट किया गया था और बड़े जी भाई उनको फिनिश भी किया जा चुके, क्या ही बात है टीम नंबर 15 की तरफ से, और बहुत ही बढ़िया खेलती हुई टीम नंबर 15 भी भाई अब तक 8 किल कर चुकी है। और टीम नंबर 16 के बीच करीबी मामला वहाँ पर टीम नंबर 14 आ चुकी है, तो यहाँ पर देखना हो भाई इंट्रो भाई की टीम जो जो है यहाँ पर देखना हो उनकी फाइट होने वाली है टीम नंबर 14 के साथ, जो कि ऐसे किल शॉट मैग्नेट एसिड सोनिक भाई और टीम है वहाँ पर उनकी फाइट होती है। और भाई यहाँ पर देखना टीम नंबर 14 और टीम नंबर 16 के बीच से कौन सी टीम बचकर निकलेगी, हमें ये देखना होगा। और भाई यहाँ पर देख लिया जाए फिलहाल टीम नंबर 15 के मेंबर्स वहाँ, सॉरी टीम नंबर 5 के मेंबर्स उनके काफी करीब है, जो कि बीपीएक्स मैन वोकर भाई की टीम है, वो मेरे ख्याल से उनके ऊपर क्लोजिंग वगैरह करना चाहेगी। दीज टक्कर ओटीपीएस भाई की टीम, वो भाई उनके ऊपर क्लोजिंग करना चाहेगी जहाँ तक मुझे लगता है, थर्ड पार्टी पर इजीली भाई यहाँ पर कर सकते हैं। और भाई इन्होंने क्या है टीम नंबर 16 के एक मामला जो इन्होंने ए लिख रखा है आगे, भाई बिल्कुल ब्लैंक है, तो भाई मेरे ख्याल से ए इन्हें आप बुला सकते हैं, ए भाई कहाँ जा रहे थे, तो भाई देख लिया जाए फिलहाल। यहाँ पर टीम नंबर 14 के मामले वहाँ पर किल शॉट मैग्नेट वहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा लो है, और भाई यहाँ पर फिलहाल देखना होगा हमें टीम नंबर 16 के चारों मेंबर्स अब तक अलाइव हैं, टीम नंबर वहाँ पर 14 के 2 टीम मेंबर्स 3 टीम मेंबर्स हैं, तो भाई यहाँ पर देखना होगा हमें 3v4 का मामला और कौन सी टीम जीतेगी इस 3v4 के मामले में। एक तरफ से टीम नंबर 5 की टीम जो कि भाई बीपीएक्स मैन वॉकर भाई जी हाँ, वो भी एक तरफ से क्लोज इन करते हुए, और भाई ऊपर पानी हफ्ते भाई टीम नंबर 17 की टीम नंबर की तरफ से हमें चलना होगा, टीम नंबर 8 के टीम नंबर को नॉक किया, और भाई यहाँ पर देखना होगा क्या 2 टीम मेंबर्स को नॉक कर चुके हैं, टीम नंबर 8 के जिन्होंने मेरे ख्याल से गाड़ी से उतार लिया गया डेविल भाई वहाँ पर समीउल्ला, 2 टीम मेंबर्स बच रखे हैं डेविल भाई वहाँ पर समीउल्ला एक तरफ से मुझू भाई को स्प्रे देने के, मुझू भाई वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, समीउल्ला मेरे ख्याल से उनको पुरजोर फिनिश करेंगे, जहाँ समीउल्ला ने उनको पुरजोर फिनिश किया गया, और भाई यहाँ पर पानी हफ्ते भाई को स्प्रे दिया गया, और डेविल भाई वहाँ पर नॉक पड़े हैं यूनिटी जो कि समीउल्ला भाई वहाँ पर देखना होगा, वहाँ पर समीउल्ला अपनी टीम से अकेले बचे हैं, यूनिटी आपका भाई तरफ से प्लान करते हुए समीउल्ला पानी हफ्ते डब्ल्यू एक तरफ से प्लान करते हुए यूनिटी से भाई वहाँ पर, सॉरी यूनिटी आपका भाई वहाँ पर नॉक किया गया था लेकिन पानी ने पीछे काफी अच्छा कवर दिया, और यूनिटी आफ्ता भाई अपने टीम मेंबर्स को बड़े इजीली बचा लेंगे, और भाई यहाँ पर अपने बाकी टीम मेंबर्स को गवा चुके हैं जो कि मोजू भाई, और भाई यहाँ पर उनके जो कि मोजू भाई यहाँ पर आए थे टीम मेंबर्स को तो पहले ही वो गवा चुके थे, और टीम नंबर 15 के वहाँ पर फाइट हो चुके क्या है, टीम नंबर 15 और टीम नंबर 12 के बीच वहाँ पर फाइट होती है, तो यहाँ पर देखना हो जो कि अपार्टमेंट्स के अंदर फाइट हो चुकी है, टीम मेंबर में खासे 15 के एक टीम मेंबर्स को उन्होंने ठोक दिया है बड़े इजीली वहाँ पर, जी हाँ टीम 15 के एक टीम मेंबर्स को बड़े इजीली मार दिया है यहाँ पर, जो मेरे खास रेड आदि भाई ने वहाँ पर उनको इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश कर दिया, और यहाँ पर एक टीम मेंबर्स को नॉक कर चुका है एसिड विजार्ड भाई वहाँ पर नॉक किया गया एसिड विजार्ड भाई, और इंस्टेंट फिनिश मतलब भाई अब 2 ही टीम मेंबर्स बचे हैं टीम 15 को, यहाँ पर देखने को मेरे खास उनके ऊपर रश जरूर करना चाहेंगे, और काफी ट्रिक वगैरह लगाते हो एसिड सोनिक दिस भाई और की फाइट हो चुकी है वहाँ पर, क्या ही बात है, जो कि टीम 5 दिस भाई और की टीम वहाँ पर फाइट लेती हुई क्या ही बात है, और टीम 5 मेंबर्स और भाई वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, टीम 14 के टीम मेंबर्स को वहाँ पर नॉक कर दिया गया, और भाई यहाँ पर देखने को हमें बीपीएक्स वहाँ पर मैन वॉक कर उनके दिस भाई को एक को खत्म किया गया है, दिस 02 भाई को वहाँ पर फुल टेस्ट फिनिश कर चुके हैं, एसिड सोनिक दिस भाई वहाँ पर आते हुए ककर ओटीपीएस भाई की टीम, और टीम नंबर 16 मेरे ख्याल से यहाँ पर निकल चुकी है, जहाँ टीम नंबर 16 यहाँ से निकल चुके हैं, एपनसीडोन भाई के वहाँ पर फाइट हो चुके हैं गनी भाई की टीम के साथ, जो कि मेरे ख्याल से याशियाना के अंदर ये फाइट होती हुई जहाँ तक मुझे लगता है, जी याशियाना के अंदर ये फाइट हो रही है, टीम नंबर 21 के मेंबर्स हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और भाई अवेंजर भाई और की टीम जहाँ टीम नंबर 21 के मेंबर्स, और भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से टीम को
एक तरफ से टीपी भी लेते हैं और भाई दिस भाई वहाँ पर पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं टीम मॉम्स को, टीम ऑफ 14 को, और भाई यहाँ पर देखना काफी कैडी टीपी भी लेते हैं और यूजी का स्प्रे मेरे ख्याल से देंगे जी का करो और टीपीएस भाई को वहाँ पर नो कर चुके हैं डीपी मैन एक्स बीपी एक्स मैन वो कर भाई और यहाँ पर एस एस किल शॉट मैगनेट दो ही टीम के सामने 2v2 का मामला दिस भाई एक तरफ और कक्कर और टीपीएस भाई को मेरे ख्याल से रिवाइव दिया एसिड सोनिक भाई एक तरफ से क्या बात है और भाई यहाँ पर दिस भाई एक तरफ और भाई यहाँ पर देखना होगा बीपी एक्स मैन वो कर नीचे जाकर भाई टीपी भी लेने लग चुका है मेरे ख्याल से अपने एक टीम को बड़े जिले बचा सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है कक्कर ओटी ओ टी पी एस भाई को बड़े जल्दी रिवाइव दिया जा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि भाई ऊपर टीम रश बिल्कुल भी नहीं कर रही और भाई उन्हें जल्दी रिवाइव देना होगा एफ एन सी टोन भाई वहाँ पर नॉक हो चुका है टीम वो जो कि 21 के मामले से टीम 25 के मामले की तरफ से मेरे ख्याल से नॉक किया गया है जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ पर टीम 25 के मामले की तरफ से उनको नॉक किया गया एफ एन सी टोन भाई को सामने एवेंजर भाई वहाँ पर उनका टी पी पी लेते और यहाँ पर देखना और डेविल बाजी के साथ खेलते हुए लॉल डी जे ओ पी भाई और वहाँ पर मेरे ख्याल से जहाँ सामने नेड काफी अच्छा किया गया था एफ एन सी टोन भाई लॉल और भाई वहाँ पर क्या ही बात है लॉल ओ पी भाई वहाँ पर एक टीम नॉक हो चुके हैं लोलो पी भाई भी वहाँ पर देख लिया है कि इनकी तरफ से नॉक टीम नंबर 3 की टीम है उसकी तरफ से उनको नॉक किया गया था और इंस्टेंट फिनिश की भी किया जा चुका है टॉक्सिक भाई यहाँ पर देखना होगा और भाई यहाँ पर जो कि ए बी भी वहाँ पर क्या ही बात है नॉक कर चुके हैं टीम नंबर 16 के मैम्स वहाँ पर नॉक कर चुके हैं एक टीम को टीम नंबर 5 की टीम को नॉक किया गया ए और आगे बे नाम बंदे और भाई बड़े जिले भाई उनको इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश किया गया और भाई यहाँ पर देखना होगा पक्का करोड़ ओटीपी और दिस भाई वहाँ पर स्प्रे देते हुए टीम नंबर 16 के मैम्स को टीम नंबर 16 के मैम्स काफी दूर और उनके टीम मैम्स आते हुए टीम नंबर 16 के मैम्स अपने टीम मैम्स को कवर देने के लिए आ रखे हैं पीछे चार्ज की कई बात है एफ एन सी डॉन भाई वहाँ पर नॉक कर चुके हैं लोल डीजो पे और भाई वहाँ पर दिस भाई नॉक कर चुके हैं कई बात है एवेंजर भाई के वहाँ पर टॉक्सिक भाई के साथ फाइट होती है और यहाँ पर देखना होगा टीम नंबर 5 पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है टीम नंबर 14 के लिए दो टीम मैम्स बच रखे हैं और भाई यहाँ पर इंटरेंचर मायोर की टीम की फाइट बीच फाइट जो कि वहाँ पर बड़े जी भाई फिनिश कर चुके हैं भाई जो कि वहाँ पर फाइट हो रही थी बिना भाई वहाँ पर क्या है भाई टॉक्सिक एन के भाई वहाँ पर नॉक पड़े टीम वहाँ पर छिक मैम जिनको भाई एफ एन सी डॉन भाई उन्होंने नॉक किया और भाई एफ एन सी डॉन के भी एक टीम मैम नॉक पड़ेंगे डेविल राज भाई वहाँ पर नॉक पड़े एवेंजर भाई उनको बड़े जी रिवाइव देते और यहाँ पर देख रहा हूँ एफ एन सी डॉन भाई वहाँ पर सामने स्प्रे देना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है विनोद को वहाँ पर देख रहा हूँ विनोद को वहाँ पर क्या ही बात है विनोद को वहाँ पर स्प्रे दिया गया और विनोद काफी ज्यादा लो और सामने एवेंजर भाई सीधे घुसते हुए बहुत ही बढ़िया खेलते हैं एवेंजर भाई और यहाँ पर टॉक्सिक भाई तो मेरे ख्याल से टॉक्सिक भाई पूरी तरह स्क्रीन शॉट वहाँ पर अकेले टीम मैम सोच रहे बड़े जिले भाई स्क्रीन शॉट टीम नंबर 3 का नाम से यहाँ पर दो ही टीम सोच सकते हैं टीम मैम काफी दूर है यहाँ पर टीम नंबर 3 के तो भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से गाड़ी उठाकर निकलना चाहेंगे जहाँ दो टीम मैम निकल चुके हैं यहाँ पर गाड़ी उठाकर क्योंकि भाई वहाँ पर रुक कर कोई फायदा नहीं था और टीम ऑफ 14 के मामले सीधे सर्कल के अंदर जा चुके हैं टीम ऑफ 16 के मामले सर्कल के अंदर जा चुके हैं टीम ऑफ 15 के मामले टीम ऑफ 16 की तरफ बढ़ रहे हैं हो सकता है उनके बीच बड़ी जल्दी फाइट हो सकती है टीम ऑफ 15 के मामले की तरफ कैमरा का जरूर घुमा लिया जाएगा और अकेले ही टीम मामले बच रखे हैं अपनी टीम से और टीम ऑफ 16 उनके पीछे मेरे ख्याल से गाड़ी वगैरह लगा सकती है अगर भाई उन्हें साउंड वगैरह आई हो तो भाई यहाँ पर बड़े जिले उनके ऊपर पास गाड़ी वगैरह लगा सकती है और उनको जी हाँ उन्होंने स्पॉट भी किया है क्या भाई टीम ऑफ 15 के मामले को बड़े जिले भाई मार देंगे क्योंकि भाई वहाँ पर प्रोन ही पड़े हैं तो भाई बड़े इजिली यहाँ पर मार सकते हैं टीम ऑफ 15 के 15 के मामले और वहाँ पर गलत उठ गए थे फिलहाल वहाँ पर स्प्रे वगैरह दिया गया और यहाँ पर देखना सामने स्प्रे दिया गया और बड़ी जी भाई फिनिश किए जा चुके हैं टीम नंबर 15 के मामले बस यहाँ पर टीम नंबर 16 भी काफ़ी अच्छा फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन दिखा चुकी है फिलहाल तो उन्होंने एक स्क्वाड वाइप किए 4 किल इनकी टीम के और यहाँ पर देखना होगा टीम नंबर 3 के मामले भी भाई सीधा जाते हैं टीम नंबर 12 के मामले उनको सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है टीम नंबर 3 के कैमरा का सेम दिखा दें आपको टीम नंबर 12 के पीछे लग चुकी है तो भाई सीधे बड़े जी भाई उनको चलती बग्घी से उतार लिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है और बग्घी के अंदर भाई ज़्यादा जी हाँ ड्रिफ्ट कर गई मतलब क्या ही बात है कि बग्गी भाई यहाँ पर स्किट कर गई और बड़े जिले भाई उनको बग्गी से ही उतार लिया गया भाई बग्गी का यही घाटा होता है कि भाई आपको बग्गी स्किट कर जाती है और बड़े जिले भाई आपको उतार लिया जाता है जिस कारण भाई आप बग्गी वगैरह उठाना पसंद नहीं करते हैं अदरवाइज भाई बाइक से वैसे आपको उतार लिया जाता है लेकिन बाइक सोलो के लिए थोड़ी ईजी रहती है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो भाई बड़े जिले आप इधर उधर निकल सकते हैं उससे बड़े ईजीली और टीम नंबर 3 के अकेले टीम नंबर बच रखे हैं टोटल भाई 60 टीमें बची हैं 18 बंदे लाए बचे हैं टीम नंबर 16 की पूरी टीम बची है जहाँ तक मुझे टीम नंबर 12 की पूरी टीम बच रखी है और दो टीम वापस बच रखे हैं टीम नंबर 17 के जो कि भाई पैन एफ टी डब्ल्यू भाई की टीम और उनकी फाइट हो सकती है सोलो डेंजर की टीम के साथ क्योंकि सोलो डेंजर की टीम सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ती है और भाई यहाँ पर देखना होगा जो कि भाई गाड़ी लेकर आ चुके हैं सोलो डेंजर भाई की टीम उनकी के सामने जी हाँ सोलो डेंजर निकल चुके हैं फिलहाल उनके बीच फाइट नहीं हुई वहाँ से निकल चुके हैं और उनके सामने भाई टीम ऑफ 14 के मेम्बर्स एक तरफ से भाई टीम नंबर 12 के मामले से मतलब काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर देखने को फिलहाल कौन सी टीम भाई यहाँ पर जीतेगी सभी टीमें भाई जो कि काफ़ी अच्छा खेलती हैं सभी टीमें बच रखी हैं और बहुत ही बढ़िया टीम ऑफ 16 की वहाँ पर फाइट हो सकती है टीम नंबर 14 के साथ तो भाई यहाँ पर देखना टीम जी हाँ टीम नंबर 16 की वहाँ पर फाइट होने वाली है टीम नंबर 14 के साथ और टीम नंबर 12 भी बहुत ज़्यादा क्लोज है तो यहाँ पर हमें देखना होगा वहाँ पर क्या ही बात है फिलहाल देख लीजिए किल शॉट मैग्नेट
और यहाँ पर एसिड सोनिक भाई दो ही टीम मामस को, सामने एक टीम मामस को नॉक किया गया, एसिड सोनिक भाई वहाँ पर नॉक करें, दोनों टीम मामस के एक टीम मामस नॉक हो चुके हैं, क्या ही बात है। किल शॉट मैग्नेट वहाँ पर और किल शॉट मैग्नेट को बड़ी वाइपिंग स्प्रे उसके सामने वगैरह किया गया, टीम बारह के मामस मेरे ख्याल से स्प्रे वगैरह देने चाहेंगे, बारह के मामस अपने ही एक टीम मामस को नेट से नॉक कर चुके हैं, इंसान के टीम मामस वहाँ पर उन्होंने नेट किया और बड़े जिन्होंने अपने नेट के मामस नॉक हो चुके हैं, और भाई एसिड विजार्ड भाई ने स्प्रे दिया एक टीम मामस को, वहाँ पर एक टीम मामस नॉक हो चुके हैं, तो एक 16 टीम मामस बचे हैं जो कि अपनी टीम को भाई रिवाइव दे रहे हैं, और बड़ी जगह यहाँ पर एसिड भाई टीम यहाँ पर रश कर जाती है, तो बड़े भाई उनके स्क्वाड को वाइप कर सकती है, अब तक भाई 20 किल कर चुकी है एसिड की टीम, 11 किल अकेले रेड आदि के, काफी अच्छे खेलते रेड और भाई उनकी पूरी टीम फिनिश 24 किल के साथ, भाई यहाँ पर क्या ही बात है, 11 किल अकेले के रेड आदि भाई के यहाँ पर बहुत अच्छे खेलते हैं, 4 किल एसिड विजार्ड के, एसिड पैथन भाई के 3 किल और एसिड भाई के 6 किल, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं फिलहाल यहाँ पर, बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं, और भाई यहाँ पर देखने को हमें टीम मामा की तरफ से आती है, फिलहाल रेड की पूरी टीम बच रही है, टीम मामा सेवन टीम के मामले में खेल, टीम मामा थ्री की टीम मामा अकेले बच रखा है, उनको बड़े जिले मार सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं किया तो भाई इसीलिए बड़े जिले यहाँ से निकल लेंगे, और भाई यहाँ पर देखना हो सर्कल के अंदर जाकर बैठना चाहेंगे, टीम हमारी किसी मामले फिलहाल यहाँ पर किसी टीम के बीच वाई फाइट नहीं हो रही, क्योंकि काफी दूर दूर है सभी टीम मामा, और भाई आप 15 तारीख को बिल्कुल भी ना भूले, 15 तारीख को आपको जरूर आना है अपनी स्क्वाड के साथ, क्योंकि भाई यूनिटी की टीम की तरफ से हो रहा है ₹500 का गिव अवे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी स्क्वाड के साथ आना है, और भाई यहाँ पर चिकन डिनर करना है 8 किल के साथ, और भाई जो बंदा आपकी टीम का MVP होगा उसके हाथ में भाई हम ₹500 दे देंगे, आप आपस में भाई बांट सकते हैं ₹500 को, अदरवाइज भाई अगर आप रैंडम के साथ आते हैं और भाई रैंडम आपकी स्क्वाड का MVP बन जाता है तो भाई वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो रैंडम को भाई हम ₹500 दे देंगे, और रैंडम से भाई आपको कुछ वो हो सकता है वो कुछ ना दे, वो अकेला ही रख ले तो भाई कोई फायदा नहीं, इसलिए भाई आप अपनी स्क्वाड के साथ आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और भाई यहाँ पर देख लीजिए फिलहाल अगर कोई और भी भाई हमारे चैनल पर भाई यहाँ पर स्पॉन्सर वगैरह करना चाहता है, फिर कोई टूर्नामेंट कराना चाहता है, फिर यूसीज का, यूसीज तो खैर हम नहीं कहते क्योंकि भाई यूसी की साइट बंद पड़ी है, पैसों का यहाँ पर गिव अवे वगैरह करना चाहता है तो भाई कर सकता है बड़े जिले, और भाई रेड आदि भाई की तरफ से ओम का काफी अच्छा फटका पानी एफ टी डब्ल्यू भाई को यहाँ पर काफी बढ़िया ओम का फटका पड़ा है, लेकिन भाई वहाँ पर फिलहाल दूर है, तो भाई यहाँ पर देखना होगा फिलहाल यहाँ पर देख जाए तो भाई वो बड़े जिले कर सकते हैं यहाँ पर गिव अवे पैसों का जो भी चाहे भाई ₹50 ₹100 यहाँ पर ₹10 ₹20 जितने का भाई गिव अवे करना चाहे कर सकते हैं, और भाई यहाँ पर एसिड विजार्ड की टीम आज पूरी फॉर्म में है, मतलब उन्होंने भाई एक बंदा नॉक किया और सीधा ही गाड़ी गाड़ी उठाकर घुस चुके हैं कि भाई कौन सी टीम है, पानी एफ टी डब्ल्यू भाई को उन्होंने नॉक किया था जो काफी अच्छा खेलते हैं, अपनी टीम के नाम से उनके सभी टीम आपस मर चुका है, देखना हो भाई यहाँ पर पानी हफ्ते उनकी टीम को वाइप कर पाते हैं नहीं, फिलहाल उनके पास हेलमेट वगैरह नहीं है, वेस्ट है सिर्फ हेलमेट नहीं है, और भाई यहाँ पर क्या ही बात है, सामने में कैसे पानी एफ टी डब्ल्यू भाई नेट वगैरह निकाल चुका है, और भाई यहाँ पर देखा हमें पानी एफ टी डब्ल्यू भाई सामने नेट वगैरह करने की कोशिश करते हो, क्या ही बात है एसिड विजार्ड भाई वहाँ पर मेरे ख्याल से नेट उन्होंने काफी अच्छा किया था, और भाई एसिड विजार्ड भाई पानी एफ टी डब्ल्यू भाई के नेट में आ भी गए हैं बहुत ही बड़े खेलते हो, भाई वहाँ पर एस जी एफ भाई वहाँ पर स्प्रे दिया गया, लेकिन भाई वहाँ पर यूनिटी आफ्ताब भाई को नॉक पड़े, क्या बात है यूनिटी आफ्ताब भाई को मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी रिवाइव दे दिया जाएगा, और उनके टीम मैम वहाँ पर सामने नॉक वगैरह पड़े और सामने मेरे ख्याल से नेट वगैरह करने चाहेंगे, एस जी एफ भाई वहाँ पर क्या बात है वापस भाई वहाँ पर नेट किया गया पानी एफ टी भाई की तरफ से, और अपनी टीम वहाँ पर रिवाइव देना चाहेंगे जो कि यूनिटी सॉरी जी हाँ वहाँ पर यूनिटी आफ्ताब भाई उनको बड़े भाई रिवाइव दे दी जाए, क्योंकि भाई वहाँ पर सोलो तो वहाँ पर नहीं कर सकते, जी हाँ पर नेट वगैरह किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा नेट करते हुए वहाँ पर, क्या ही बात है बहुत बड़े खेलती हैं यहाँ पर फिलहाल 25 किल कर चुकी है अब तक, बहुत ही बढ़िया खेलती है यहाँ पर एसिड भाई की टीम, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़िया है यहाँ पर एफएनसी की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, एफएनसी डॉन भाई तरफ आ चुके हैं, महेंद्र भाई डेविल राजू और भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी मतलब होने वाली है, एक तरफ से अगर भाई यहाँ पर रश करती है टीम नंबर 12 तो भाई उनके ऊपर हो जाएगी थर्ड पार्टी, क्योंकि भाई एक तरफ से टीम नंबर 21 भी भाई उनको स्प्रे देगी अगर उस कोर्ट हाउस के ऊपर रश करते हैं, और भाई टीम नंबर 12 यहाँ से निकल लिए सीधे ही सर्कल के अंदर, और एफएनसी क्या ही बात है पानी एफटी डब्ल्यू भाई को नॉक कर चुके हैं, डेविल राजू जी नहीं डेविल राजू भाई यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, जिनको भाई पानी एफटी डब्ल्यू भाई ने नॉक किया, मैं थोड़ा गलत बोल गया, पानी एफटी डब्ल्यू भाई वहाँ पर नॉक हो चुके हैं डेविल राजू को, और भाई यहाँ पर देखना डेविल राजू को वहाँ पर फिलहाल बचने के चांसेस काफी कम, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों ही टीमों को निकलना होगा, और पानी एफ टी भाई को स्प्रे आया क्या बात है, एवेंजर भाई ने वहाँ पर नॉक करते हुए वहाँ पर उनको डिप तक स्प्रे, और भाई यहाँ पर देखना होगा उनके योग यूनिटी आफ्ताब भाई अकेले ही बच रखे हैं अपनी टीम से, और भाई यहाँ पर मुझे लगता है यूनिटी आफ्ताब भाई ज्यादा कुछ कर पाएंगे फिलहाल सर्कल के अंदर, क्योंकि वो टीम यूनिटी आफ्ताब भाई सर्कल बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है, तो भाई वहाँ पर काफी दिक्कत होने वाली है यूनिटी आफ्ताब भाई की टीम के लिए, टीम 12 की टीम भाई अभी तक अलाए हुए, और यहाँ पर देखना होगा फिलहाल हमें यूनिटी आफ्ताब भाई मुझे लगता है भाई बच पाएंगे वहाँ पर, जी हाँ जैसे कि मैंने कहा था भाई सर्कल से मरते यूनिटी आफ्ताब भाई की टीम, यूनिटी आफ्ताब भाई अकेले सर्कल से मारे, बाकी पानी भाई का एवेंजर भाई ने उतार लिया था जो कि भाई फिलहाल ठीक ही खेल रहे हैं अब तक काफी अच्छे, 3 टीम नाम से बच रखे हैं सामने भाई 4 टीम नाम बस टीम नंबर और सोलो रेंजर भाई को पर क्या ही बात है रेड आदि भाई फिर से भाई एक ओम का फटका देते हुए सोलो रेंजर भाई को जो कि बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं सामने भाई, क्या ही बात है वहाँ पर एक टीम एसिड रिजल्ट भाई ओपन नॉक हो चुके हैं, और वहाँ पर रेड आदि भाई वापिस से भाई वहाँ पर ओम का फटका देने की कोशिश करते हैं, और भाई यहाँ पर देख लिया जाए जो कि एसिड विजार्ड भाई उनके नॉक पड़े थे, एसिड विजार्ड भाई को बड़े जल्दी भाई रिवाइव दे दिया जाएगा, टीम हमारी किस नाम से भी एक तरह से फिलहाल जोन के अंदर पूरी तरीके से
और भाई यहाँ पर टीम नंबर 12 के मेंबर्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, तो भाई उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। फिलहाल सर्कल से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही 25 मीटर दूर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मोक का बॉल बनाकर बड़े जी भाई सर्कल के अंदर निकल सकते हैं। और भाई यहाँ पर देखना हमें वहाँ पर एसिड, वहाँ क्या ही बात है, डेविल राज भाई को वहाँ पर नॉक कर चुका है, इंस्टेंट फिनिश किया जा चुका है सॉलो रेंजर भाई की तरफ से। मतलब भाई किल चोरी हो चुका है एक हिसाब से। एसिड पैथन भाई वहाँ पर, मेरे ख्याल से एसिड पैथन भाई ने वहाँ पर नॉक किया था यहाँ पर डेविल राजू को, और भाई किल चुरा चुके हैं उनका सॉलो रेंजर भाई बहुत ही बढ़िया तक भाई यहाँ पर। फिलहाल सामने वाली जो कि टीम नंबर 12 है, बहुत ज्यादा बढ़िया खेलती हुई है जी अफजल भाई की टीम, तो भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कड़ा खेल रहे हैं आज, पूरा मूड बना कर आए हैं भाई। यहाँ पर एक टीम हम उसको नॉक कर रहे हैं और भाई सीधे ही रश कर रहे हैं, बहुत ही कड़ा खेलते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा स्मोक का बॉल बनाकर सीधे ही सबसे अंदर जाना चाहेंगे। जहाँ सामने मेरे ख्याल से एफ एनसी डॉन भाई यहाँ पर नॉक कर चुके थे सोलर डेंजर भाई को, और एफ एनसी डॉन भाई को रेड आदि भाई ओम का फटका दे चुके हैं। और भाई यहाँ पर क्या ही बात है, रेड आदि भाई बहुत ज्यादा बड़े खेलते हैं ओम उनके हाथ में, और भाई क्या ही बात है एफ एनसी सोलर डेंजर भाई की। और एक तरफ से भाई एस जी अफजल जो भी वहाँ पर फिनिश कर चुके हैं सोलर डेंजर को, जो कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है उनकी टीम। सामने दो ही टीम तक बचे हैं, और मुझे लगता है भाई यहाँ पर टीम 12 की टीम की यहाँ पर जीत हो सकती है। जहाँ मुझे और भाई यहाँ पर देख ले सोलो डेंजर भाई यहाँ पर स्मोक वगैरह का बॉल कर बनाते हुए, और भाई यहाँ पर क्योंकि थोड़ा ओपन है उनकी तरफ से, तो भाई उनके पास मेरे ख्याल से कवर्स वगैरह नहीं है, तो भाई इसलिए वहाँ पर स्मोक का बॉल्स बनाया उन्होंने, काफी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से एफेंसिव डॉन भाई वहाँ पर स्प्रे वगैरह जा सकता है जी नहीं। फिलहाल तो क्लोजिंग करती हुई यहाँ पर एसिड विजार्ड भाई वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, क्या बात है एवेंजर भाई एसिड विजार्ड को नॉक कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया भाई वहाँ पर खेलते हुए। फिलहाल वहाँ पर दोनों ही टीम दो टीम हमसे बड़ा ही अच्छा खेल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एसिड पैथन भाई यहाँ पर नॉक कर चुके हैं टीम हमसे, एवेंजर को वहाँ पर नॉक किया गया, एफेंसिव डॉन भाई अपनी टीम से, एफेंसिव डॉन भाई को वहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश किया जा चुका है। तो यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा अच्छे खेले हैं मेरे ख्याल से 28 या फिर पता नहीं कितने किल कर यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे खेले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एस जी एफजेड की टीम। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं हम आपको कल के स्ट्रीम में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।